चलो भाइयों, आज आप लोगों को मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। भाई, स्टीरॉयड का खर्चा कितना आता है, मैं कौन सा लेता हूँ, कटिंग के कौन से स्टीरॉयड होते हैं, गेनिंग के कौन से स्टीरॉयड होते हैं, PCT कब कराते हैं। तो याद रखना, जो बात बताने जा रहा हूँ ना, कोई नहीं बताएगा। क्या मिलता भाई लोगों को ये करके, अंदर से फाड़ गया पूरी। व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप लोगों का शेरू क्लासिक के एपिसोड नंबर 12 में। तो क्या हाल चाल है सभी लोगों के। तो आज बात करने वाले हैं भाई मेरी साइकिल के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, DM आ रहे थे, भाई आप साइकिल क्या लेते हो और सॉल्ट क्या लेते हो, आपके स्टीरॉयड कौन कौन से चले हुए हैं। मैंने सोचा भाई चलो इस बारे में भी बात कर लेते हैं, भाइयों को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग भाई हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आप लोगों से। और एक भाइयों के नाते एक टिप देता हूँ, सुबह उठकर हमेशा पानी पिया करो। आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है ना बढ़िया से, सबसे पहले पानी पियो, उसके बाद ही कोई काम खाना वाना स्टार्ट करो, ठीक है। पानी तो मैंने पी लिया था, वैक्यूम में करने लग रहा हूँ। अब बारी है बू को बोलने की कि एक कॉफ़ी बना दे मेरे लिए। बू बू, कॉफ़ी बना दो, हो गया वैक्यूम ऑलमोस्ट, ठीक है, कॉफ़ी बना दो कॉफ़ी। ये क्या करा हूं, तुम भी खाओगे कुकी मेरे साथ? ना। है कहाँ कुकीज मेरे? यहाँ पे वो वाले कौन से है वो बढ़िया वाले? वाले ये ना, बीमार है मेरी वाइफ भाई। सारे टिश्यू, सारे कपड़े जुकाम वाले कर दिए। पीला वाला कौन सा? इसके साथ खाओ ना, हल्का सा, एक एक बाइट। मेरे बालों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तुम बाल बड़े करो। क्या भाई हो, क्या लगता है आप लोगों को, सोनिया को अपने बाल बड़े करने चाहिए? एक लड़की तो वॉशरूम में और छोटे वॉशरूम में आके मेरे को बोलती है मेरे को इतना दुख हो रहा है, अपने बाल कटा लिए, क्यों कटा लिए। तो भाई हो निकल चुके हैं अपने जिम की तरफ और शाम हो चुकी है थोड़ी। आज कई काम करने थे सोनिया को, कपड़े धोने थे बहुत सारे। तो चलो चल के ही बात करते हैं सारी। आज आप लोगों को मैं थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा जो आप लोगों के काम आएगा, अबाउट कभी आप साइकिल लेने की सोच रहे हो या जो भी दिमाग में चल रहा है ले रहे हो करके। ये क्या है? आज कार साफ नहीं हुई है, संडे तो नहीं है, आज मंडे है। ये क्या है? आज तो मंडे है यार। और दिक्कत क्या है, कार अब जाके घर पे खड़ी होएगी, इतनी गंदी है। अंदर से देख कर एकदम, अंदर से तो क्लीन है, अंदर से सिर्फ मेरे यहाँ पे ग्लास का निशान लग गया, वो जा नहीं रहा है। और बहुत गंदी हो रही कार तो। ऊपर सनरूफ बंद कर दो। बेस्ट जिम इन इंडिया, बेस्ट जिम इन इंडिया। तो भाई यो अभी बात करते हैं सारी, उससे पहले भाई एक स्कूप BCAA ले लूं, क्योंकि मेरे को वर्कआउट से 15-20 मिनट पहले एक स्कूप BCAA सर ने बोला लेने को। रीज़न ये है कि नॉर्मली हम लेते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, बट अगर आप एक स्कूप पहले ही अपनी बॉडी में डाल दोगे BCAA तो आपकी बॉडी में तगड़ी एनर्जी आ जाएगी। अगर आप प्री वर्कआउट ले रहे हो तो प्री वर्कआउट बाद में लेना, उससे पहले BCAA ले लेना। भाई साहब क्या फ्लेवर है, ग्रीन एप्पल। भाइयो अगर आपको BCAA चाहिए बजट के अंदर, बेस्ट BCAA भाई, मस्त है भाई ये, बहुत बिग मसल्स न्यूट्रिशन का BCA
एनर्जी, ये है ग्रीन एप्पल फ्लेवर। इनके और भी बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। फिर बोल रहा हूँ, बजट के अंदर जिसको चाहिए इससे ऊपर BCAA आपको नहीं मिलेगा। और इसमें आता है 5000 mg BCAA, साथ साथ इसमें टोरीन और नेचुरल कैफीन दे रखा है, जो आपको ड्यूरिंग वर्कआउट, जैसे आप प्री वर्कआउट नहीं भी लेते हो तो ये आपको एक्स्ट्रा एनर्जी पहुंचाने में बहुत हेल्प करेगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी है जो आपको हाइड्रेट रखेंगे। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आप किसी भी टाइम ले सकते हो, आप कटिंग पे हो, आप गेनिंग पे हो, आप लीन बल्किंग पे हो, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एनर्जी पहुंचाएगा। आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी ज़्यादा तो आपका वर्कआउट अच्छा होगा, आपका वर्कआउट और बढ़िया होगा तो आपकी मसल बिल्ड और फैट लॉस बहुत बढ़िया होगा। रिकवरी में भी बहुत हेल्प करता है क्योंकि इसमें अमाइनो एसिड होते हैं। बेसिकली BCAA होता क्या, ब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना, बिग मसल रोटेशन का BCAA एनर्जी। तो भाई कॉफ़ी का एक वो बना लेता हूँ शॉट, फिर करता हूँ आप लोगों से बातें। एरिया अपग्रेड लग रहा है भाइयों अपना, टीवी लगवा दिया, पौधे लगवा दिए, CCD की मशीन नहीं है, सप्लीमेंट मंगवा दिए। तेल दिया ब्रोक लेसनर को। चलो भाइयों, आज आप लोगों को मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, भाई स्टीरॉयड का खर्चा कितना आता है, मैं कौन सा लेता हूँ, कटिंग के कौन से स्टीरॉयड होते हैं, गेनिंग के कौन से स्टीरॉयड होते हैं, PCT कब कराते हैं। तो याद रखना, जो बात बताने जा रहा हूँ ना कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत बहुत टाइम हो गया मेरे को ये चीज़ देखते देखते। तो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, कटिंग और गेनिंग के जो स्टीरॉयड्स है वो जो सॉल्ट होते हैं वो एक साथ चला देते हैं। वो सोचते हैं कि हम साइज़ भी बढ़ा ले और रिप्ड भी हो जाए, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप ले रहे हो फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, मैं तो कहूँगा मत लो, पर अगर आप ले रहे हो भाई तो कभी भी एक साथ दोनों सॉल्ट मत चलाओ, जो कि मोस्टली ट्रेनर्स करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो पीछे का हिस्सा सूज जाता है, ख़राब हो जाता है और आपको कुछ खास रिजल्ट भी नहीं आते। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कि भाई खर्चा कितना आता है। अगर आपको ये लगता है स्टीरॉइड्स बहुत महंगी चीज़ है तो नहीं, अगर आप एक बढ़िया सप्लीमेंट का स्टैक मंगाओगे पूरा, वो महंगा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू स्टीरॉइड्स। लोग महंगा क्या करते हैं कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें लेते हैं जो स्टीरॉइड्स से बाहर है। स्टीरॉइड्स क्या है, मोस्टली टेस्टोस्टेरोन की फॉर्म है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में बनता है, जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन है जो आपकी बॉडी में डाला जाता है। अलग अलग सॉल्ट होते हैं कटिंग गेनिंग के, बट जो मेन जो बेस लाइन है वो टेस्टोस्टेरोन ही है। अब लोग क्या करते हैं, वो हॉर्मोन्स पे चले जाते हैं, पेप्टाइड्स पे चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें भाई जिन पे चले जाते हैं। मैं किसी चीज़ का नाम नहीं ले रहा, मैं नहीं चाहता कि मैं बताऊं कि भाई आपने ये ले लो तो इससे गेनिंग कर लेते हैं, दैट्स मैं नहीं चाहता कोई चीज़ मेरी सुन के ले ले बात, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना मेरी बात मानना भाई, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो महंगा महंगा करते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग महंगी, ठीक है, जो ये सारा साइकिल होती है ना, बहुत बहुत कम की होती है भाई। मैं बता रहा हूँ 20-25 हज़ार में आपका 3 महीने का सामान आ जाता है, ठीक है। बट जब आप ये हॉर्मोन्स लेने लग जाते हैं जो बाहर के होते हैं, पेप्टाइड्स लेने लग जाते हैं अलग अलग तरीके के, ये बहुत महंगी चीज़ें पड़ती है, जब जाके महंगी होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सपेंस की बात। अब बात करते हैं कि गोलियाँ ज़्यादा बढ़िया होती है या इंजेक्शन। तो किसी से पूछोगे नॉर्मल इंसान से, वो बोलेगा यार गोलियाँ ही खा लेंगे, ठीक है, इंजेक्शन से तो डर लगता है। पर जब आप गोलियाँ चलाते हो, वो आपका जो सारा बॉडी में लीवर उसे तोड़ता है, हर चीज़ को, सारा सप्लीमेंट, सारे स्टीरॉइड, लीवर पे जोर आता है सारा। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई चीज़ सेफ़ है, बट अगर आप दो चीज़ों को रख के देखोगे तो गोलियाँ ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू इंजेक्शन से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं, भाई मैंने है ना ये ली थी गोली, डेनाबोल लिया था मैंने, पता नहीं क्या लिया था, क्या मुझे PCT करनी चाहिए। तो PCT का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी खा के कर लो, आपकी बॉडी इतनी स्मार्ट होती है कि वो एक टाइम के बाद नेचुरल आ जाती है। PCT बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा ही हैवी डोसेज लेते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी में क्या होता है, उनका जो प्रोडक्शन लेवल है, उनका जो सामान है, वो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बहुत टाइम से बंद कर देता है, बहुत टाइम से। जैसे कुछ कुछ लोग मैंने खुद देखे अपने आगे, 2-3 साल से लगातार ऑन रहते हैं साइकिल पे, उनको ज़रूरत है PCT की, उनको ज़रूरत है एक झटके की, ताकि उनका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो वापस से बनना स्टार्ट हो सके, ठीक है। और PCT कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो लोग सोच ले कि बहुत सेफ तरीका है, ओए हमने तो PCT कर ली तो क्या भाई, ऐसे तो सब कर ले, एक बार स्टीरॉइड्स ले, एक बार PCT कर ले, ओए हम तो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होता भाई।
आपको जितने किसी चीज़ के एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं उतने ही आप साइड इफेक्ट एक्सपेक्ट करो, आज नहीं तो 2-3 साल बाद, ठीक है। तो PCT कोई सेफ तरीका नहीं है, तो PCT ये गोली बोली खा के मत कराया करो भाई, खाम का अपनी बॉडी में कुछ कुछ कर रहे हो, वो PCT भी आपकी बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट ही लाएगी अगर आप ये डेनाबोल पेनाबोल खा के PCT कर रहे हो। वैसे तो खाया ही मत करो ये गोली, ठीक है। जितना सस्ता स्टीरोइड होगा उतना आपकी बॉडी में ज़्यादा साइड इफेक्ट डालेगा, खासकर गोलियाँ आती है सस्ती, सस्ता स्टीरोइड 800-900 रुपये की गोलियाँ आ जाती है स्टीरोइड्स की, एक प्रोटीन भी महंगा होता है स्टीरोइड से। ये तो होगी भाई इंजेक्शन और गोलियों में बात। फिर नेक्स्ट बात आती है, लोग सबसे बड़ी गया गलती करते हैं, मैंने भी जो की है वो है कि पूरा जोर लगा देते हैं वो जब उनकी साइकिल ऑन होती है। जैसे मैंने बहुत जोर लगाया भाई अमेचर ओलंपिया में, बहुत ज़्यादा जोर, और उसके बाद इतना फैट मैंने गेन किया ये बोलकर कि मैं तो बल्किंग कर रहा हूँ, कि मैंने डल्टी बल्क कर लिया, जिसको बोलते हैं ना फैट गेन कर लिया, प्रॉपर फैट गेन। 90-92 किलो मेरा वेट था, ऐसा मुंह फूल गया, पेट आ गया बाहर, देख रहे हो ना कंडीशन, अभी कोई पंप वंप नहीं है। मैंने क्या सीखा कि यार जब हम साइकिल पे होते हैं ना तो हम बहुत मेहनत करते हैं, और साइकिल छोड़ देते हैं ना तो वो मेहनत नहीं हो पाती। ये सबसे बड़ी गलती है जो एक इंसान कर सकता है, क्योंकि आप बहुत उसी स्टेज पे आ जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। अगर आपको साइकिल का बेनिफिट उठाना है, अगर आपने साइकिल ली भी है, तो साइकिल के बाद डबल मेहनत करना स्टार्ट करो, ठीक है। और यहाँ पर लोग जब भी मेहनत करते हैं जब उनकी साइकिल ऑन होती है, ये मैंने एक बार करके देख लिया शेरू क्लासिक के बाद, मैंने सोच लिया था जो पिछले साल जून में हुआ था कि भाई मैं डर्टी बल्क नहीं करूँगा, क्योंकि बॉडी में इतना फैट आ जाता है उसको कोई कट करो। अब मेरी साइकिल है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाइयों, बहुत, बट इससे पहले मेरी साइकिल कुछ महीने तक ऑफ थी, तब भी मैंने बढ़िया मेहनत करी है वो करी है मैंने। तो वो चीज़ मैंने एनालाइज करी है कि लोग सिर्फ जब ही मेहनत करते हैं जब उनकी साइकिल होती है, और जब मेहनत छोड़ देते हैं जब उनकी साइकिल बंद हो जाती है। और बात रही मेरी, मैं क्या लेता हूँ भाइयों, ये तो चलो बात करूँगा। एक और जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं ड्यूरिंग साइकिल, वो सोचते हैं कि स्टीरॉयड लेने से उनकी बॉडी बेस्ट बन जाएगी। अगर ऐसा होता, स्टीरॉयड से ही बॉडी बनती, तो इंडिया में कितने सारे लोग तो मिस्टर ओलंपिया चले जाते बॉडी बिल्डिंग में, क्लासिक फिजिक में। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि आपका जो फूड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब मेरे को लोग कमेंट में बोलते रहते हैं भाई स्टीरॉयड ले लिए, स्टीरॉयड लेके बॉडी बना दी, स्टीरॉयड लेके बॉडी बना दी। आपके जिम में जाने वाले 100 में से है ना 50 लोगों ने कभी ना कभी स्टीरॉयड लिया होगा, एक गारंटी दे रहा हूँ। कभी दिखने में लग जाए ना वो नॉर्मल लगते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको ये गलत फहमी है कि स्टीरॉयड लेने से बॉडी बन जाएगी। और इंडिया में एक फैक्ट है जो याद रखना, इंडिया में स्टीरॉयड सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। लोग सोचते हैं कि बाहर जो ओलंपिया बने हुए हैं, फिल हीट, रूनी कॉलमैन, ये बहुत स्टीरॉयड ठोकते होंगे, भाई इन्होंने तो पता नहीं कितना ही ठोका होगा। क्योंकि आप लोगों की बॉडी नहीं बन रही है, तो सामने वाले की बॉडी देख के ये सोचते हैं यहाँ पर लोग कि भाई इसने ज़्यादा लिए है तब इसकी ऐसी बनी है, मैंने कम लिए है या नहीं भी लिए मेरी नहीं बनी। ऐसा नहीं है भाई, इंडिया में स्टीरॉयड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और कितनों की बॉडी बनती है यार ऐसे, मतलब कुछ भी बॉडी नहीं बना पाते लोग यहाँ पर। और फिर ये बोलते हैं, बस उनके पास एक ही आंसर होता है, भाई उसने मुझसे ज़्यादा लिया है, दैट्स वाई उसकी मुझसे बढ़िया बनी है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा है तो इंडिया में इतना ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, क्यों नहीं पहुंच पाते मिस्टर ओलंपिया? दो चीज़ें आती है, आपके जेनेटिक्स और आपका ऑफ सीज़न और फूड। जब आप ऑफ साइकिल आ जाते हो, आप किस तरीके का खाना खा रहे हो, कैसा वर्कआउट कर रहे हो। यहाँ पर मैंने बताया कि मैं एक बार गलती कर चुका हूँ कि मैं ऑफ सीज़न में आते ही मेरा कोई डाइट प्रॉपर नहीं थी, मेरा कोई वर्कआउट प्रॉपर नहीं था। वो सबसे बड़ी गलती है जो मैं कभी नहीं करूँगा, और अभी एक बार मैंने सही करा है वो, कि ऑफ सीज़न पे आते ही मैंने डाइट अच्छी रखी, वर्कआउट अच्छा रखा, सब कुछ सही करा, दैट्स वाई मैं ऑन पे आते ही इतना बढ़िया लग रहा हूँ। अगर मैं अभी भी अपने अमेचर ओलंपिया शेरू क्लासिक की तैयारी पे आना चाहूँ ना सेम कंडीशन पे, उससे बढ़िया पे आ सकता हूँ मैं सिर्फ 10 दिनों के अंदर। ऐसी बॉडी कंडीशन है, सिर्फ मेरे को एक कीटो फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं डल्टी बल्क कर लेता फिर उसको कट करूँ नहीं, तो ये सारी चीज़ें थी भाई। होप सो मैंने एक छोटे छोटे चीज़ों में आपको सारे आंसर बता दिए होंगे। अब बात कर लेते हैं मेरी साइकिल की, चलो नीचे बात करते हैं, वर्कआउट का टाइम हो गया, मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, वहाँ बताऊँ आप लोगों को वर्कआउट करता करता। वैसे मेरे को वर्कआउट करते करते हो गया है 20-25 मिनट, पहले शोल्डर प्रेसेस मारी थी, तो अब कर रहा हूँ मेन साइड डेल्ट पे ध्यान।
तो भाइयों बात करते हैं पहले मेरी साइकिल की। अभी करंटली मैं लीन गेनिंग पर हूँ, जिसमें मेरी बॉडी में आप देख सकते हो ज़्यादा फैट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली सर ने इस बार बोला था कि हम कोई गोलियों का यूज़ नहीं करेंगे और हम लीन गेनिंग में सिर्फ और सिर्फ मसल बढ़ाएंगे, फैट नहीं बढ़ाएंगे। तो उसके लिए सर ने एक सॉल्ट ऐड किया था जो मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होता है ईज़िली, और दो सॉल्ट ऐड किए थे जो प्रॉपर फॉर्म होते हैं स्टीरॉइड्स की। तो तीन सॉल्ट मेरे चल रहे थे अभी तक, और तीनों लिक्विड फॉर्म में थे, और जिससे मेरे को बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। उनमें से एक ऐसा सॉल्ट था जो बहुत हार्ड था, जिसकी वजह से थोड़े टाइम बाद, अभी तीन चार दिन पहले आपने एक पिछले से पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, अब तो निशान चला गया, ब्लड टेस्ट कराया था। तो वो इसलिए ही कराया था क्योंकि एक जो सॉल्ट था वो बहुत हार्ड था और दो जो सॉल्ट थे वो बहुत बढ़िया थे, ठीक है, मतलब मीडियम होते हैं, ठीक है। तो इस वक्त तीन लिक्विड चले थे मेरे, दैट्स वाई सर ने बोला था एक बार टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि हमें देखना था कि वो जो हार्ड वाला स्टीरॉइड है वो बॉडी में कितना डैमेज करता है। हमारी जो ब्लड टेस्ट के बाद हमारी जो रिपोर्ट आई, हल्का हल्का सा मेरी चीज़ें बढ़ी है, क्योंकि जब आप साइकिल पे होते हो तो अगर आप उस टाइम टेस्ट कराओगे तो हमेशा आपकी चीज़ें बड़ी दिखेगी, बट जो मेरा जो टेस्ट था उसमें चीज़ें बहुत सही थी। ये तो होगी अभी की साइकिल की बात। और अगर मैं बात करूँ सॉल्ट के नाम की, भाइयों मैं कभी सॉल्ट का नाम इसलिए नहीं बताता, कभी मैंने नहीं बताया। द रीज़न इज़, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्स सॉल्ट बता दूँ आपको कि दे देखो मेरे रिजल्ट कितने तगड़े आ गए इस सॉल्ट से, तो मैं कितना भी मना कर लूँ लोगों को, कोई नहीं मानता। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि अगर आपको बाइसेप्स बढ़िया करना है तो ये एक्सरसाइज करो, और आपको लग रहा है हाँ भाई मेरा बाइसेप्स तगड़ा है मेरे को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो क्यों नहीं करोगे आप, कितना मना कर लूँ मैं, करोगे। ऐसे ही सॉल्ट का होता है। अगर मैं किसी को सॉल्ट का नाम बता दूँ कि भाई मैं ये नाम का सॉल्ट लेता हूँ, तो उस सॉल्ट में दिक्कत ये हो जाएगी कि हर कोई ऐड कर देगा। आगे का क्या प्लान है सर ने, आगे क्या बताया करने को, एक सेट कर लूँ फिर बताता हूँ। यो यो भाइयो, ये अपना पोजिंग रूम, वैसे आप लोगों को पता होगा। तो भाइयो अब बात करते हैं करंट क्या सीन है, करंट क्या, ओए होए वो देखना है कुछ। है थोड़ा बहुत। तो भाइयो अभी करंट क्या सीन है, तो अभी जैसे मैंने बताया मैंने टेस्ट करा लिया अपना, अभी जो मेरे सॉल्ट है वो चेंज हो जाएंगे। एक सॉल्ट सेम रहेगा जो वो हार्ड वाला था, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा सॉल्ट है जिससे रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बेसिकली आपकी बॉडी में फैट नहीं आने देता और मसल को बहुत हार्ड कर देता है, ठीक है। तो भाइयों ये देखो मेरी ये जो तीन सॉल्ट चले थे उनसे कैसे रिजल्ट आया है, मतलब बढ़िया होगी यार बॉडी। आप लोग कभी से देखते हो मैं कभी ऐसी कंडीशन नहीं रखता अपनी बॉडी की, हमेशा जो कंडीशन है वो फैट पकड़ जाती है, बट अब की बार देख रहे हो मैं खुद अपने सिक्स पैक पहले टाइम से देख रहा हूँ, नहीं तो ऐसी जो एब्स की कंडीशन है वो मेरी एक दो दो तीन हफ्ते पहले दिखना स्टार्ट होती थी। लेग्स पे अच्छा खासा काम कर रहा हूँ भाइयों, मतलब पिछले ही तैयारी में शेरू क्लासिक वाली में तो मैंने लेग्स किए ही नहीं थे, छोड़ दिए थे, बट अब की बार जो मेन जो दिक्कत है ना भाइयों बॉडी बिल्डिंग की, जो मैंने एनालाइज करी है वो है कि लोग स्टीरोइड्स को एज अ सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। मतलब स्टीरोइड तो बहुत बेसिक है, जैसे जैसे गेनिंग के कटिंग के, वो तो बहुत बेसिक है, उनको चाहिए कुछ एडवांस, फिर वो जाते हैं अलग अलग चीज़ों पे, हॉर्मोन्स पेप्टाइड पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें भाई, ठीक है, वो महंगी भी होती है और वो ज़्यादा बॉडी में साइड इफ़ेक्ट भी देती है, ठीक है। तो भाइयों पहली चीज़ तो आपको यूज़ करने की क्या ही ज़रूरत है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, दूर ही रहो तो बढ़िया है, बट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो भाई देख के, और ख़ासकर बॉडी के टेस्ट कराते रहो टाइम टू टाइम, जैसा कि सर कराते हैं। एक ही चीज़ बढ़िया लगती है मेरे को सबसे सर की, कि टाइम पे टेस्ट होते हैं,
तो जो अगली साइकिल होगी उसमें शायद 4 सॉल्ट ऐड हो जाएंगे, 1 सॉल्ट तो मेडिकल स्टोर पे मिलता है नॉर्मली, और 2 जो बाकी के 3 है वो बाहर से ऐड हो जाएंगे। अब यार देखो, फिर लोग मेरे को बोलेंगे भाई नाम बता दो, बहुत सारे लोग सोचते हैं यार हमें भी नाम बता दो, क्योंकि अगर मैं कुछ बताऊँगा तो बढ़िया ही होगा, उससे रिजल्ट आएंगे। मैं फिर बोलता हूँ मेरी मत मानो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जो बोल रहा हूँ वो अपनी तरफ से बना के बोल रहा हूँ, मेरी कुछ मत मानना भाई जब सॉल्ट की बात आती है। ये बस मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही, बस मन कर रहा था बोल दिया आप लोगों को सारी चीज़ें। बाकी अब भाइयों मैं थोड़ा और वर्कआउट कर लेता हूँ। क्या बात है, देख रहे हो बैक, बाकी अब थोड़ा भाई शोल्डर के बहुत चक्कर आ गए भाई। बाकी भाइयों मैं थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ, रियर डेल्ट बॉडी नहीं बनती यार, बॉडी नहीं बन के देती, सब ट्राई कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये सबसे बेस्ट कंडीशन है अभी तक की तुम्हारी बॉडी का, फिर तुम बोल रहे हो बॉडी नहीं बन रही। थोड़ा रियर डेल्ट को ट्रेन करता हूँ भाइयों, चलो ठीक है। स्ट्रेस तो पूरा बोलूंगा पैर को मैंने चलो भाइयों, सोनिया को भी अभी वर्कआउट करना, फिर घर भी निकलना हमें। बाकी मैं यही बोलूँगा भाइयों, ये था मेरा सारा सीन, और जून में मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है, पर मुझे पता है मैं क्लासिक में मज़ा आएगा खेलने में। तो भाई वर्कआउट कंप्लीट, खाना बहुत खा लिया, और आज बहुत लेट निकल रहे हैं जिम से, सोनिया वर्कआउट कर रही थी, टाइम हो गया है 12:44, और आ जाना भाइयों बेस्ट जिम इन इंडिया, पता ही आप लोगों को, आर के फिटनेस बाय रोहित खत्री, गूगल कर लेना, आपको देखो जाके एक बार कितनी रेटिंग अपने जिम की, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा रेटिंग है हमारे जिम की। आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है भाइयों। बाकी अभी जा रहे हैं भाई घर पे, पैकिंग करनी है और फिर नरेला की तरफ निकलना है। लोग भाई ऐसे हो गए आजकल, मतलब देखो इन्हों क्या मिलता है भाई इनको, देखो सोनिया कार में बैठी थी, मैं खाना लेने गया था चोनू के लिए और घर वालों के लिए, क्या मिलता भाई लोगों को ये करके, अंदर से फाड़ गया पूरी, इवन टेप भी करा रखी है वो भी काम नहीं आई जान बूझ के, और सोनिया अंदर बैठी थी। मैं जस्ट 24/7 से अंदर गया था, यहाँ खड़ी थी काइटन, और वो करके गया जान बूझ के। कोई नहीं भाई, तुम्हें अगर इन चीजों से खुशी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई घर जा रहा हूँ। तो भाई घर आ चुके हैं और आए अपने खेत में, घर आते ही, क्योंकि एक ये ऐसी जगह है जहाँ पर आके इतनी शांति होती है, और इतना बढ़िया मौसम, साफ हवा, साफ एकदम क्लीन हवा। और अभी सोनिया जा रही है अमरूद तोड़ने, तो ये यहाँ तक खेत है ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और मतलब बहुत पीछे तक तो ये हमारा हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दूसरों का हिस्सा। तो इन्होंने अमरूद लगा रखे हैं साइड वालों ने, तो बड़े भी हो गए हैं, वैसे तोड़ लिए इन्होंने। यार गन्ने उगे रह गए वो हमारे खेत में, देखो वो रे, जाओ जाओ नीचे वाला एकदम। हाँ चलो ट्यूबवेल पे चल लेते हैं, मैं वो देखना चाहता हूँ अपने ट्यूबवेल पे गन्ने है या कुछ और है। तो भाई वो एक अमरूद आया बढ़िया, थोड़ा सा कच्चा है यार, शायद इन्होंने सारे पक्के वाले तोड़ लिए अपने।
कोई बात नहीं, अगली बार ट्यूबवेल पे चल रहे हैं। ट्यूबवेल पे चलो। गन्ना है देखो ना, गन्ने हैं। मैं दूर से ही पहचान गया था, गन्ने लगा रखे हैं, अच्छे खासे लगा दिए। अभी भी लग, हाँ पता नहीं, लग तो गन्ने ही है। हाँ क्योंकि यहाँ पे किसी ने तोड़ के खाया हुआ अभी है, वो देखो गन्ने लगे हुए बाग में। तो भाइयों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल कलर का आपको बटन दिख रहा हो दबा दो भाइयों, सब्सक्राइब कर दो, 5 मिलियन करा दो, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन के साथ में घंटा दिख रहा होगा उसे भी दबा देना, ताकि जब भी आपको भाई वीडियो अपलोड करे सबसे पहले आपको पता चले कि भाई की वीडियो आ गई है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नॉट पीस गेंस।